रहे हैं कि दूसरी इनिंग्स तो जाके घर देखेंगे। जी तो नाजरीन, अभी हमारे जराए ने बताया कि लाहौर कलंदर जीत चुका है। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आरजे कासिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर आज मैं दिखाने वाला हूँ लाहौरी फैंस, कुछ मुल्तानी फैंस। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 6 और इस साइड पर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 4। ये मेरी बैक साइड पर बिल्कुल इंट्रेंस है, यहाँ से जो जिन्होंने टिकटें ली हुई हैं वो अंदर जा रहे हैं। काफ़ी रश का मजमा इधर हम देखने को हमें मिल रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर पिछले 10 दिनों से कुछ इस तरह से लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन ये जितनी भी सिक्योरिटी थी हमारी अपनी हिफाजत के लिए थी। जितने लोग परेशान हुए सिक्योरिटी से वो ये सोच रहे हैं कि ये सारा फंक्शन जो माहौल था हमारे लिए था। हमारे साथ इधर दोस्त हैं, हम इनसे जो है ना एक टिकट भी सेल हो रही है ब्लैक में नाजरीन यहाँ पे, वो भी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दोस्त, थोड़े आगे आ जाएं आप। आपका नाम? उमर अली। उमर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? तो होता है कोई मैंने धोखे में नहीं रहना है, धोखे में नहीं आना। जो मुल्तान के ख्वाब देख रहे हैं उनको बता दो लाहौर कलंदर नहीं जीतना है। लाहौर कलंदर नहीं जीतना है, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर लाहौर है, नहीं जीतना है। ये हमारे साथ लाहौर कलंदर के फैन है, 7 साल के बाद आज पहली दफा मुझे तो ख्वाब नजर आ रहा है, ख्वाब लग रहा है लाहौर कलंदर फाइनल में आ गया यार। क्या आप लोहरिया ने सारिया ने दुआवा मंगिया, फिर ही आया फाइनल दे विच, अगे भी लोहर ही जितेगा हुन इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे भरा नाल। अच्छा परसों जो मैच हुआ था उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? परसों यार उन्हें तबीयत खुश करती, उन्हें जरा कैच फड़िया ना। ओए ओए ओए। अच्छा ये हमारे साथ, ये नहीं वो नहीं, ये हमारे साथ भाई हैं, ये अच्छा भाई हैं। हाँ जी ये बड़े भाई हैं, अभी लोहरिया जरा चैलेंज। अच्छा अच्छा बात सुने, ये भाई हैं, ये भाई हैं, दोनों ही लाहौर के सपोर्टर हैं। ये भाई नहीं है। और मैं जो सपोर्टर हूँ इन दोनों के दरमियान में फंस चुका हूँ। वो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, फंस गई। यहाँ आपका भाई आरजे कासिम यहाँ लाहौर कलंदर के फैंस में फंस गया, तो अभी नहीं हम भी पियेंगे। अच्छा मुल्तान सुल्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी मुल्तान सुल्तान। आपका नाम? खुदाइदाद खान। अच्छा भाई ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान अच्छा है यार, हमारे सुबह से नज़दीक है। लाहौर कलंदर में फ्लू हो गया है। हाँ जी यार। यही था, आगे चलते हैं कुछ दोस्तों से और मिलते हैं और वीडियो को यार शेयर करें। आज इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी और इसके रिव्यू हम आपको देख रहे हैं दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए। जी तो नाजरीन हमारे साथ एक छोटा लाहौर कलंदर का फ़ैन है, ये फ्लैग इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो आ जाएँ हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? मैच देखने अंदर नहीं गए? नहीं। क्यों? वो होटल में पापा ड्यूटी से लेट आए थे तो हाउसफुल हो गए। टिकट ली थी आपने और फिर भी नहीं गए? हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं लाहौर कलंदर जीतेगा या मुल्तान सुल्तान? लाहौर कलंदर। हाँ ये छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे की ये लाहौर कलंदर इंशाल्लाह जीतेगा। और ये जो है फ्लैग बच्चे ने पकड़ा हुआ है, इनके साथ इनके पापा जानी है, पापा जानी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कौन जीतेगा? लाहौर कलंदर इंशाल्लाह। बच्चे को भी लेके आए मज़े से, और टिकट ली थी आपने और हाउसफुल हो गए? टिकट ली थी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा अखबार होते रहे हैं इधर उधर, बस अब जा रहे हैं। कितने में मिली थी? 2500 में। 2500 रुपये में? मेरा ख्याल 500 वाली होगी वो। नहीं नहीं पता नहीं, 500 वाले। हाँ जवेद मियाँ दाग के थी इंक्लूर की, जी बिल्कुल हमारी, लेकिन वो अखबार होके वापस जा रहे हैं कि दूसरी इनिंग्स तो जाके घर देखेंगे। जी तो नाजरीन अभी हमारे जराए ने बताया कि लाहौर कलंदर जीत चुका है। ये आखिरी ओवर में 4 स्कोर चाहिए था और जीत गए हम। लाहौर कलंदर जिंदाबाद, लाहौर कलंदर जिंदाबाद। ये थैंक यू बेटा, उधर बोलो लाहौर कलंदर जिंदाबाद, लाहौर कलंदर जिंदाबाद। अब बताएं लाहौर कलंदर जीत चुका है, क्या आपको खुशी हो रही है? हाँ जी। जी तो नाजरीन अब तक का जो मैच है वो 4 आवर्स और 127 स्कोर हो चुके हैं 17 आवरों में, और उम्मीद जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लाहौर कलंदर के जीतने की।
तो आगे देखिए क्या। यार हमारे साथ एक लाहौर कलंदर के फ़ैन है, पता नहीं सुल्तान कलंदर के फ़ैन है या मुल्तान सुल्तान के फ़ैन है या लाहौर कलंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अभी तो एक इनिंग भी नहीं ख़त्म हुई और आप वापस जा रहे हैं टिकट को लहराते हुए हवा में। ये दरअसल पता क्या बात है, हम आए हैं 6 बजे के, ठीक है 6 बजे के आए हैं तो 6 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आने वाली है आधी लाइन हुई तो उन्होंने गेट बंद कर दिए। बिल्कुल इन्होंने ज़्यादती किया लोगों के साथ, इतना रश है लेकिन गेट बंद कर दिया, बिल्कुल लोगों को जाने नहीं दे रहे। उधर देख के बताएं भी हमें अंदर नहीं जाने दिया, लाहौर कलंदर के हम फ़ैन हैं और अब हमें लिबर्टी गोल चक्कर पे खड़े होकर जलील होना है। देख सकते हैं आज बिल्कुल हम बहुत बड़े फ़ैन हैं लाहौर कलंदर की टीम के, क्योंकि हम लोग रहते भी लाहौर में हैं और ये इतना इन्होंने जलील किया, इतना जलील किया कि दिल उठ गया हमारा। आपसे गुजारिश करते हैं किसी को इतना मत जलील करें काइंडली। जी तो नाज़रीन हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा लाहौर कलंदर का, ये फ़ैन है। अभी लाहौर कलंदर की जो विकेट अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी आवर चल रहे हैं और आप वापस जा रहे हैं। वो जो हमारी टिकट थी ना वो स्टेडियम हाउसफुल हो गया इसलिए हम वापस आ गए। कब से लाइन में लगे हुए थे आप? यही कोई 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से लाइन में थे जी। किस गेट की टिकटें थी आपकी, दिखाएँ ज़रा ऐसे करके। जावेद मियादाद की टिकटें थी जी। फैमिली के साथ आए थे जी। ये नाजरीन छोटे से भाई हैं हमारे, तो जावेद मियादाद गेट नंबर 13 की इनके पास टिकट है। ये टिकट्स हैं, फैमिली के साथ भाई आए हैं, 2 घंटे से लाइनों में लगे रहे हैं। ये इनके पास 6 टिकट्स हैं। अब कितने की ली थी एक टिकट? 2500 रुपये की टिकट थी। तो 6 टिकटें आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये इन्होंने खर्च किए हैं लेकिन मैच ना देख सके। ये भी एक यार एक अनहोनी है। 400 वाली टिकट वाले इंजॉय कर रहे हैं अंदर, आवाज़ें बाहर आ रही हैं। जिन्होंने हज़ारों में टिकटें ली हैं वो बाहर को पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं जी। कुछ नहीं, अगर पैगाम है तो वो है कि अगर जितनी अंदर सीटें होती हैं उतनी आप टिकटें दिया करें, ज़्यादा हो तो बता दिया करें। ज़बरदस्त। अच्छा अभी आप वापस जाएंगे, आप टीवी पर देखेंगे जी। खाना खा लिया कि नहीं? नहीं वही खाने लगे, इधर से ही खाएँगे। दिया कि जितनी सीटें हों उतनी टिकट्स आप सेल किया करें, इजाफ़ी टिकटें आप सेल करते हैं तो फिर हमें यहाँ आकर जलील होना पड़ता है, हमें लाइनों में 2-2 घंटे लगने के बाद वापस घर को जाना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो PSL 8 होगा उसमें इस तरह की जलालत बिल्कुल भी नहीं होगी। इंशाल्लाह जितनी सीटें होंगी उतनी जो टिकटें हैं वो पब्लिक को दी जाएंगी और जो ये ब्लैक में टिकटें मिलती हैं ब्लैक माफियों को भी ज़रूर पकड़ा जाएगा। जी तो नाज़रीन सर्दी का मौसम भी काफ़ी तेज़ हो चुका है, मैंने जैकेट पहन ली हुई है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर कलंदर खेल चुके हैं 20 ओवर अपने मुकम्मल, 180 का टारगेट दिया है, 5 आउट थे इनके। अब देखते हैं मुल्तान सुल्तान क्या करता है और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, दूसरी वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 180 टारगेट बहुत ज़्यादा टारगेट है, मेरा ख्याल है कि लाहौरियों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आप लोग ट्रॉफी जीत चुके हैं और फाइनली PSL 7 में लाहौर कलंदर ट्रॉफी जीत चुका है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।